दोस्तों रिलायंस जियो अब आप लोगों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यहां पर लेकर आ रहा है। जी हां, सो अभी तक आपने जियो 4G वोल्टे के बारे में तो जरूर से सुना होगा, लेकिन दोस्तों अब जियो 4G वोल्टे यहां पर पुराना होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए जियो की तरफ से एक नई टेक्नोलॉजी आने जा रही है, जो कि यहाँ पर VONR होने वाली। जी हाँ दोस्तों, वोल्टी की जगह अब आपको VONR सर्विस यहाँ पर मिलने जा रही है। रिलायंस जियो की कैसे यहाँ पर जो है VONR वाली सर्विस काम करती है और क्यों ये नई सर्विस रिलायंस जियो के द्वारा लाई जा रही है, वो सारी डिटेल दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अगर आप लोग फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने आपको फोरफोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप फोरफोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको डायरेक्ट 50 रुपीज का पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रिलायंस जो बहुत ही जल्दी जो अपनी 5G सर्विसेज जब वो इंडिया के अंदर लाने जा रहा है और वो अपना एक 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करने जा रहा है। आप लोगों को पता है जियो की तरफ से बताया गया था कि वो एक अफोर्डेबल जो है 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, जिसकी कीमत जो होगी दोस्तों वो काफ़ी कम होगी और ये गूगल कंपनी के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है, जब आप जो रिलायंस जियो की सर्विसेज इंडिया में लॉन्च की गई थी तो उस समय काफ़ी लोगों के पास जो है 4G स्मार्टफोन जो है थे, लेकिन वोल्टी वाले स्मार्टफोन नहीं थे। और अभी भी देखा जाए तो कई स्मार्टफोन आप लोगों के पास में ऐसे होंगे जिनमें आपको जो है दूसरी सिम पर जो है वोल्टी वाला नेटवर्क नहीं मिलता है, सिर्फ फर्स्ट सिम पर जो वोल्टी वाला नेटवर्क है वो वहाँ पर मिलता है। तो जब रिलायंस जियो ने अपनी सर्विसेज स्टार्टिंग में लॉन्च की थी तो उस समय सिर्फ आप जो है 4G स्मार्टफोन पर जो है डेटा यूज कर पा रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा स्मार्टफोन के अंदर उस समय जो वोल्टी वाला फीचर था वो उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे में रिलायंस जियो ने एक ऐप भी उस समय लॉन्च किया था जो कि जियो 4G वॉइस के नाम से उपलब्ध कराया था, जहां पर जो है आपको सेम नंबर से साइन अप करना था। तो उस जो है 4G वॉइस कॉलिंग ऐप के जरिए आप कॉल कर पाते थे डायरेक्ट, आप जो आपका मेन डायलर मिलता है, डिफॉल्ट डायलर मिलता है, उसके जरिए आप कॉलिंग वगैरह नहीं कर पाते थे और आपको जो है हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ता था, तभी आपको कॉल रिसीव होती थी और कॉल कर पाते थे रिलायंस जियो के नंबर पर। लेकिन उसके बाद तो सभी स्मार्टफोन में जो वोल्टी वाला फीचर है वो यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया, क्योंकि जो 4G नेटवर्क है दोस्तों उस पर आप कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, 2G या 3G नेटवर्क को यूज किया जाता है कॉलिंग के लिए, लेकिन रिलायंस जियो का तो जो है, लेकिन रिलायंस जियो का तो 2G और 3G नेटवर्क उपलब्ध नहीं था। तो इसलिए रिलायंस जो अपनी जो यहाँ पर 4G वोल्टी सर्विसेज वो इंडिया के अंदर लेकर आया था। इसके लिए दोस्तों रिलायंस जो ने अपना खुद का IMS तैयार किया, यानी कि जो उनका IP मल्टीमीडिया सिस्टम है वो उन्होंने खुद रेडी किया है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये IMS सिस्टम है दोस्तों वो यहाँ पर जो वोल्टी है दोस्तों उसकी बैकबोन है, और इसलिए जो जियो का नेटवर्क है वो करीबन दिन में जो है 10 बिलियन मिनट की कॉलिंग हैंडल करता है। जी हाँ दोस्तों, जो रिलायंस जो की वोल्टी सर्विसेज है, इतनी ज़्यादा कॉलिंग जो है इस नेटवर्क पर रिसीव होती है। तो अब रिलायंस जो है 5G सर्विसेज लॉन्च करने जा रहा है, तो उसी के लिए रिलायंस जो नई टेक्नोलॉजी जो बना रहा है वो यहाँ पर वॉइस ओवर NR होने वाले। जी हाँ दोस्तों, वॉइस ओवर न्यू रेडियो, ये नई सर्विस आपको जो है 5G सर्विसेज के साथ में देखने को मिलेगी कॉलिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आपको वोल्टी वाला फीचर नहीं मिलेगा, 2G 3G नेटवर्क पहले से ही उपलब्ध नहीं है। तो कॉलिंग के लिए 5G नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए आपको जो है वॉइस ओवर NR यानी कि VONR वाला फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कुछ नई सर्विस आने वाली कि 5G नेटवर्क पर आपको जो है 4G नेटवर्क पर लैच होने की जरूरत नहीं रहेगी, वोल्टी कॉलिंग की जरूरत नहीं रहेगी, आप जो है 5G नेटवर्क के जरिए ही वहां पर कॉलिंग कर पाओगे VONR वाली सर्विसेज के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज आ रही थी रिलायंस जियो की तरफ से। कैसा लगा हमारे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।